नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चैरथावल में युवा जागरण मंच के द्वारा श्री कृष्ण शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी व प्रबंधक रेनबो अकेडमी अभिषेक बंसल व पूर्व चेयरमैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद नारियल फोड़कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चैरथावल कस्बे में हनुमान मंदिर से युवा जागरण मंच के द्वारा श्री कृष्ण शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आकर्षक बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियों के साथ ही देवी देवताओं के मनमोहक स्वरूप रहे। शोभा यात्रा कस्बे के हनुमान मंदिर से शुरू होकर बाजार कला, शिव चौक, सराफा बाजार, बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई शिव चौक पर संपन्न हुई। आज नगर में भव्य कृष्ण यात्रा गत वर्ष की भांति युवा जागरण मंच के द्वारा निकाली गई, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। यह जो यात्रा निकाली गई, इसमें सभी युवा जागरण मंच के सभी मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी अच्छी झांकियां और कई बैंडों के साथ यह नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। मैं युवा जागरण मंच का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चैरथावल में स्थित रेनबो अकेडमी के प्रबंधक व वरिष्ठ समाजसेवी अभिषेक बंसल, पूर्व चेयरमैन सुधीर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी व अन्य को युवा जागरण मंच के द्वारा पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चैरथावल में युवा जागरण मंच द्वारा निकाली गई श्री कृष्ण शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पर युवा जागरण मंच के द्वारा रेनबो अकेडमी के प्रबंधक एवं समाजसेवी अभिषेक बंसल, पूर्व चेयरमैन सुधीर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष कर, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी व अन्य को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चैरथावल पर तैनात दो दरोगाओं का अन्य स्थानों पर स्थानांतरण होने पर चैरथावल थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह व समस्त स्टाफ के द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई तथा उनके द्वारा कार्यकाल में किए गए सराहनीय कार्य करने पर आभार व्यक्त किया गया। दरअसल चैरथावल थाना क्षेत्र के ददेड़ी चौकी प्रभारी रामवीर सिंह का थाना कोतवाली नगर व हिंडन चौकी प्रभारी नितिन कुमार का थाना मंथुरपुर में ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में चैरथावल थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह व समस्त स्टाफ के द्वारा फूल माला पहनाकर भावभीनी विदाई दी गई और उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चैरथावल के गांव दूधली स्थित ऐतिहासिक गोगा महाड़ी पर 17 सितंबर को लगने वाली जाहरवीर गोगा पीर महाड़ी पर रविवार को चैरथावल प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए गांव के गणमान्य लोगों व कमेटी के लोगों के साथ बातचीत की और मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु घंटों मंथन किया। दरअसल चैरथावल विकास खंड के गांव दूधली में 17 सितंबर से शुरू होने वाले ऐतिहासिक प्राचीन जाहरवीर गोगा महाड़ी मेले के व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए चैरथावल थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह महाड़ी परिसर में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाना प्रभारी ओपी सिंह ने कमेटी के सदस्यों व ग्राम प्रधान व गांव के अन्य ग्रामीणों से महाड़ी पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराने व महाड़ी के आसपास साफ सफाई कराने के लिए कहा। उन्होंने कई स्थानों पर बैरियर लगाने हेतु निर्देशित करने हेतु महाड़ी कमेटी के सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने नाले से पीछे दुकानें लगवाने के लिए कहा ताकि रास्ते में भीड़ भाड़ न हो। वहीं श्रद्धालु के आने जाने के लिए अलग रास्ता चिन्हीकरण भी किया जाए। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।